यह चंबा से पहले फकोट आगरखाल में पहाड़ खिसकने और सड़क के झरना में तब्दील होने का पूरा वीडियो हमारे टूरिस्ट रिपोर्टर साथी सागर शर्मा ने भेजा है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। साथी शिवम गोयल और साथी सागर शर्मा ने यह पूरा का पूरा वीडियो भेजा है। यह वीडियो ऋषिकेश चंबा मार्ग पर पहाड़ गिरने और पूरे के पूरे मार्ग को अवरुद्ध होने का है। देखिए क्या है पूरा। देखिए, यहाँ कल रात बारिश में पूरा टूट चुका है, पूरा पहाड़ तहस नहस हो चुका है। देखिए देखिए, पूरी रोड जाम, पूरा पहाड़ टूट चुका है कल रात की बारिश से, भयंकर तबाही। ये देखिए यहाँ पूरी रोड नीचे बैठ चुकी है, पूरी रोड। ये देखिए ये पूरी रोड नीचे जाने वाली है यहाँ से। ये पूरी रोड खत्म हो चुकी है, पूरी रोड देखिए पूरी तहस नहस हो चुकी है। एक गांव के कुछ लोग यहाँ जायजा लेने आ रखे। ये देखिए गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ सब जायजा लेने आ रखे हैं। ये पूरा बंद हो चुका है यहाँ। देखिए पूरी की पूरी रोड धस चुकी है यहाँ से। ये सब कारनामे हुए फकोट जंगल के आसपास। ये देखिए पूरा पहाड़, पूरी रोड ही धस चुकी है यहाँ, पूरा पहाड़ ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, यहाँ देखिए पूरा वहाँ से पूरा नहर पूरा बंद हो गया था खाला, तो इस चक्कर में यहाँ पूरा पानी आया तो पूरी रोड जाम हो चुकी है, पूरा रोड टूट चुका है। देखिए यहाँ ये देखिए पूरा हो चुका है, ये देखिए पूरा हो चुका है मैं, ये पूरी रोड, पूरा रोड टूट चुका है। जी जी ये देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा होता है, और इस तरीके की बारिश कब आफत बन करके आपके ऊपर पहाड़ के रूप में गिरेगी यह आप नहीं जान सकते। यह पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं जर्जर हो चुका है, और यह पूरी की पूरी सड़क कभी भी झरने में तब्दील हो सकती है। ऐसा विकास के बनाने के चक्कर में हमने नदी नालों के रास्ते के मुहाने रोकने का सबसे बड़ा जो काम किया है, उससे यह कच्चे पहाड़ जो कि अभी खुद डेवलप हो रहे हैं, ऐसे पहाड़ों का खिसकने का ढहने का हादसा जारी है। आप देखिए कितना खतरनाक तरीके से यह पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक हुई है और नीचे से खोखली हो गई है। इस झरने को देख करके आप छत्तीसगढ़ के चित्रकूट के जलप्रपात से इसकी तुलना कर सकते हैं, यह ठीक वैसा ही दिख रहा है। और नीचे तक का पूरा नज़ारा देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि पूरी की पूरी जमीन और आधार ही गायब है। इस सड़क से गुजरने वाले लोगों से गुजारिश है कि वह इस मार्ग के चालू होने तक इसका इंतज़ार करें, या ऋषिकेश चंबा मार्ग को अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड करें।